ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक घने जंगल की। इस जंगल को लोग सुंदर वन के नाम से जानते हैं। इस घने जंगल में हर प्रजाति के पशु पक्षी रहा करते थे और भोला नाम का हाथी भी अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहता था। भोला हाथी सचमुच ही बड़ा भोला था। वो छोटे बड़े सभी जानवरों और पक्षियों से बड़े प्रेम से बातें करता था और सबकी हमेशा मदद किया करता था। भोला हाथी को आज तक कभी किसी जानवर ने गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। बस यही कारण था कि जंगल के सारे जानवर भोला हाथी की बड़ी इज्जत किया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब भोला की पत्नी ने अपने नन्हे से हाथी बेटे को जन्म दिया था, तो भोला अपने बेटे को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। कई सारे जानवर भोला हाथी को पापा बनने के उपलक्ष्य में बधाई देने आए हुए थे। तभी गधा कहता है, हाथी भैया, तुम्हारा बेटा तो शक्ल सूरत में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। अरे वाह गधे भैया, ये मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही तो होगा, और क्या तुम्हारे जैसा होगा। सारे जानवर हाथी की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। गधा झेप जाता है तो बंदर कहता है, अरे गधे भैया, तुम तो सचमुच ही प्योर गधे हो, तभी तो गधों जैसी बातें कर रहे हो। हिरन ने कहा, अरे गधे महाराज, कुछ बोलने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगाया करो कि क्या बोलना है। गधा जानवरों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के कारण जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करके रोने लगा। तो भोला हाथी कहता है, अरे अरे, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, मजाक में गधे भैया को रुला दिया। ये तो बहुत गलत बात है, किसी का मन दुखी करना अच्छी बात नहीं। गधे भैया, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस तुम रोना बंद कर दो। हाथी की मिन्नतें करने पर गधा शांत हो जाता है। उसके बाद सारे जानवर हाथी को बच्चे के जन्म की बधाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी जंगल में भुजंग नाम का एक भेड़िया भी रहा करता था। भुजंग भेड़िया बहुत ही निडर और दुष्ट था। वो जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरता था। वो अपने आप को जंगल का डॉन कहता था और उसने भेड़िया गैंग बनाया हुआ था। बोलो मेरे साथियों, मैं हूँ कौन? तुम हो इस जंगल के डॉन। यूँ तो शेर जंगल का राजा था, लेकिन इस जंगल में सारे जानवर शेर से नहीं बल्कि भेड़िये से डरते थे। भेड़िया गैंग जिस रास्ते से भी गुजर जाता था, उस रास्ते पर मौजूद जानवरों में भगदड़ मच जाती थी। भेड़िया गैंग जिस जानवर को भी चाहता उसी को मारकर खा जाता। असल बात तो ये थी कि राजा शेर सिंह भी भेड़िये डॉन से डरता था, जिसका एक कारण था। हुआ यूं था कि एक बार शेर ने एक हिरन का शिकार किया था, और जैसे ही शेर ने हिरन के मांस को खाना शुरू किया, वैसे ही वहां भेड़िया आ गया और शेर से बोला, शेर महाराज, ये शिकार तो आपने किया है, लेकिन इसे खाऊंगा तो मैं ही। भेड़िये की बात सुनकर शेर गुस्से में गुर्रा कर बोलता है, मोर भेड़िये, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये घटिया बात बोलने की? चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो एक ही पंजा मारूंगा और तू मर जाएगा। ओ बुढ़े शेर, फालतू मत बोल, मौन हो जा मौन, क्योंकि मैं हूँ इस जंगल का डॉन। भेड़िया अपने मुंह से जोर की सीटी बजाता है और वहाँ उसके गैंग के 6 भेड़िये तुरंत आ जाते हैं। भेड़िया डॉन अपने साथियों से कहता है, मेरे दोस्तों, इस बुढ़े शेर को अपनी ताकत दिखाओ और इसका शिकार छीन कर खा जाओ। सारे भेड़िये अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही शेर पर टूट पड़ते हैं। शेर ज्यादा देर भेड़ियों का सामना नहीं कर पाता और शिकार छोड़कर चला जाता है।
भेड़िया गैंग मजे से हिरण के मांस की दावत उड़ाने लगता है। इस घटना से शेर को भी समझ आ जाता है कि जंगल के डॉन से टक्कर लेना उसके अकेले के बस के बाहर है। और उस दिन की घटना के बाद से भेड़िया गैंग पूरी तरह निडर होकर जंगल में दादागिरी करने लगा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं से एक बत्तख का शिकार करके ला रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में भेड़िया डॉन बैठा हुआ था। बिल्ली भेड़िये की तरफ देखती हुई खामोशी से आगे बढ़ जाती है तो भेड़िया बिल्ली से कहता है, अरे बदतमीज बिल्ली, चुपचाप कहाँ खिसक रही है तू, इधर सुन। बिल्ली कहती है, जी भेड़िये भाई, बोलिए क्या बात है। तू जानती है ना, जंगल का डॉन भेड़िया अपुन यहाँ बैठा हुआ है और तू मुझे बिना नमस्ते किए ही चली जा रही है। बिल्ली हड़बड़ा कर कहती है, मेरे से गलती हो गई डॉन भैया, मैंने आपको बैठे हुए देखा नहीं था, अब मुझे माफ कर दीजिए। माफी के बदले ये शिकार की हुई बत्तख अपुन को दे और कल्टी मार यहाँ से, चल चल। नहीं, मैं ये शिकार अपने भूखे बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ, ये मुझसे मच्छी नहीं है। भेड़िया बिल्ली को एक जोर का थप्पड़ मार कर कहता है, भेड़िया डॉन को ना सुनने की आदत नहीं, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आज तेरा ही शिकार कर डालूंगा। और बेचारी बिल्ली डर के कारण अपना शिकार वहीं छोड़कर भाग जाती है। तो इस प्रकार भेड़िया डॉन ने जंगल में अपने नाम की दहशत फैलाई हुई थी। फिर एक दिन की बात है, भोला हाथी का बेटा अप्पू एक हिरन के बच्चे और बंदर के बच्चे के साथ मस्त होकर खेल रहा था। तभी वहाँ पर भेड़िया डॉन आ जाता है। ओह, बड़े जोरों की भूख लगी है मुझे, इन तीनों बच्चों में से किसी एक को मारकर खा लेता हूँ। भेड़िया जानवरों के बच्चों के पास आकर गुर्राने लगता है। बंदर और हिरन का बच्चा तो भेड़िये को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन हाथी का बच्चा नहीं भाग पाता। भेड़िया हाथी के बच्चे को घेरते हुए कहता है, रे छोटू, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? गुलू गुलू, आज तो तू ही मेरा लंच बनेगा, आ जा। मुझे मत खाना अंकल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। भेड़िया डॉन हाथ आए शिकार को कभी जाने नहीं देता। और भेड़िया लपक कर हाथी के बच्चे पर हमला कर देता है और वो हाथी के बच्चे की टांग अपने जबड़े से पकड़ लेता है। हाथी का बच्चा दर्द से कराहा उठता है। ओही माँ, मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मम्मी पापा बचाओ, मुझे बचाओ। फिर हाथी का बच्चा हिम्मत करके अपनी सूंड जोर से भेड़िये के मुंह पर मारता है। भेड़िया सूंड पड़ते ही जमीन पर गिर जाता है और हाथी का बच्चा वहां से भाग खड़ा होता है। हाथी का बच्चा भागकर अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और रोते हुए उन्हें सारी बात बता देता है। तो भोला हाथी को भेड़िये की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। भोला हाथी गुस्से के मारे जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है और भेड़िये को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़ता है। जंगल के जानवर आज पहली बार भोला हाथी को गुस्से में देख रहे थे। भोला हाथी भेड़िया डॉन के पास आ गया और भेड़िये को सूंड से उठा उठा कर पटकने लगा। भेड़िया अपने साथियों को पुकारता है, ओहो, ओहो, मार डाला रे, अरे कमबख्तो कहाँ मर गए सब, जल्दी आकर मेरी जान बचाओ, नहीं तो ये पागल हाथी मेरी हड्डियों का चूरन बना देगा। ओहो, ओहो। भेड़िये की पुकार सुनकर भेड़िया गैंग वहाँ पहुँच जाता है और सारे भेड़िये भोला हाथी को लिपट जाते हैं। तभी भोला की पत्नी 4-5 हाथियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। फिर सारे हाथी मिलकर
सभी भेड़ियों को पटक पटक कर खूब पीटते हैं। भेड़िया डॉन की तो एक टांग भी टूट जाती है। भेड़िया डॉन हाथ जोड़कर भोला हाथी से अपने किए की माफी मांगने लगता है। ओहो, मुझे माफ कर दो हाथी महाराज, तुम्हारे बच्चे को फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। तू और तेरा गैंग हमारे जंगल में बहुत उत्पात मचा चुका है। अब तुम सब इस जंगल में नहीं रहोगे, तुरंत इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खटमल की तरह मसल देंगे। ओहो, हमारी जान बख्श दीजिए महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और फिर भेड़िया डॉन अपने गैंग के साथ लंगड़ाता हुआ जंगल छोड़कर चला जाता है। जंगल के सभी जानवर भेड़िया गैंग से छुटकारा दिलाने की खुशी में सभी हाथियों को धन्यवाद देते हैं और उसके बाद से सुंदर वन में सदा के लिए खुशहाली छा जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यदि हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे तो हमें भी एक दिन भारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा।